Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Cricket Analysis with Usman. I hope you all are well. Sri Lanka announced squad for T20 World Cup 2021. Sri Lanka की टीम में कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं और इनके स्टैट्स क्या हैं, आइए इन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले दसुन शानेकार, ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ये बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। पावर हिटर के तौर पर इनका शुमार किया जाता है और इनकी एवरेज 15.66 है, स्ट्राइक रेट 106 है। राजापक्सा ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, पावर हिटर हैं और ये मैच विनर भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में साबित हो सकते हैं। इनके मैचेस 10 हैं और एवरेज 20.62, स्ट्राइक रेट 138, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। नवान प्रदीप ये इनके फास्ट बॉलर हैं, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं और इनके 16 मैचेस हैं और विकेट्स 15, 9.41 इकोनमी रेट और बेस्ट 4/25। मधु शानका ये इनके न्यू बॉलर हैं, अभी तक इन्होंने इंटरनेशनल T20 कोई मैच नहीं खेला और लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। 58 मैचेस इन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट के खेले हैं उनमें 49 विकेट्स हैं और इकोनॉमी रेट इनका अच्छा 7.76, बेस्ट 4/15। कुशल परेरा इनको सनत जयसूर्या के साथ इनको मुशाबत दी जाती थी लेकिन ये इंजरी की वजह से इतना क्रिकेट नहीं खेल सके और इनके मैचेस 52 हैं, 27.76 इनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 132 और बेस्ट 84, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट भी इनका अच्छा है। मैंडिस ये ऐसे बॉलर हैं जो कि दोनों हाथों से बॉलिंग करवा सकते हैं और ये बैटिंग भी कर लेते हैं, न्यू आए हैं अभी लेकिन अच्छे प्लेयर हैं। जाया विक्रमा ये ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, इन्होंने भी अभी इंटरनेशनल T20 सिर्फ एक ही खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट में ये 15 मैचेस खेल चुके हैं और 12 विकेट्स हैं। इकोनॉमी रेट इनका अच्छा है जिसकी वजह से इन्हें टीम में शामिल किया गया है और ये दुबई की पिचेस में भी श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। हासारंगा ये इनके बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, गूगली बहुत अच्छी करवाते हैं, ये उभरते हुए बॉलर हैं, बड़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रहे हैं और इनके विकेट्स भी श्रीलंका क्रिकेट टीम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है और स्पिन बॉलर्स में ये सबसे अच्छे बॉलर हैं श्रीलंका की तरफ से। 24 मैचेस हैं, 36 विकेट्स, इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छा है 6.57 और ये बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। डिसिल्वा भी इनके ऑलराउंडर हैं और ये वाइस कैप्टन भी हैं श्रीलंका क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में और इनके 23 मैचेस हैं, 20.60 इनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 109, बेस्ट 62। ये ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं। दिनेश चंदीमल इन्होंने रिटर्न किया है, काफ़ी देर बाद ये टीम में शामिल हुए हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंस बैट्समैन है श्रीलंका क्रिकेट टीम में देखा जाए तो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन दिनेश चंदीमल ही है कि 59 मैचेस हैं, 20.41 इनकी एवरेज है, 105 स्ट्राइक रेट। चमीरा फास्ट बॉलर में सबसे ज़्यादा इनके बेस्ट बॉलर हैं और इनकी पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, यंग बॉलर हैं, अभी न्यू ही आए हैं लेकिन पेस बहुत ज़्यादा है इनकी और इन्होंने 31 मैचेस में 31 विकेट्स लिए, इकोनॉमी रेट भी इनका अच्छा है 7.77, बेस्ट 4/17। करुणा रत्न ये भी इनके ऑलराउंडर हैं, ये मीडियम फास्ट बॉलर हैं और स्लो बॉल भी करते हैं बॉलिंग के दौरान, इन्होंने लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और ये बैटिंग भी कर लेते हैं। असालंका ये भी इनके न्यू बैट्समैन हैं, अभी तक सिर्फ 3 मैचेस ही खेले हैं, 21.33 एवरेज है, स्ट्राइक रेट 98। फर्नांडो ये इनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, इनकी एवरेज बहुत ही कम है 13.00, स्ट्राइक रेट 96। शाना ये भी इनके बॉलर हैं, अभी न्यू ही आए हैं, 3 मैचेस हैं और एक विकेट है, 7.75 इकोनॉमी रेट है। ये थी श्रीलंका की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप बाकी टीमों के भी स्क्वाड को देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2021 में ये आपको सारे स्क्वाड्स वहाँ पे आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक